हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपका जनरल स्टडीज कवर हो जाएगा, ठीक है? तो वो आपके हेल्पफुल रहेगा, पटवारी के लिए भी, एनटी के लिए भी, एंड आपके जेकेएस के लिए भी। हम स्टार्ट करेंगे किससे? इंडियन इकोनॉमी से, क्योंकि ये जो है ये सब्जेक्ट आपके तीनों एग्जाम्स में आता है, ठीक है? तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, केएस में भी, एनटी में भी शायद आए, एंड पटवारी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज मी करण क्रंच बाय तुरत मलिक, इंजीनियर, नेट क्वालिफाइड इन सोशियोलॉजी, रिसर्च स्कॉलर, 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एंड आई हैव टॉट एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टडी IQ एंड अनअकैडमी, ठीक है? जो आज इस मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, मैंने अभी सुपरवाइजर का एग्जाम जो था उसके वीडियोज कवर करवाए थे, उसका सिलेबस कवर करवाया था, एंड मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो थे वो मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से एंड नोट से आए हुए थे, ठीक है? एंड साथ में आपका जो हिस्ट्री है वो भी मैंने कवर करवाया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हिस्ट्री है वो बेसिकली आपका वही फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है। इंडियन नेशनल मूवमेंट वो हेल्पफुल रहेगा आपके पटवारी एग्जाम के लिए भी, एनटी के लिए भी, एंड केएस के लिए भी, ठीक है? तो हिस्ट्री भी ओवर हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर्ड हैं, फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगी इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी होती क्या है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैंने देखा हुआ है काफी स्टूडेंट्स जो है इसे डरते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती आसानी से। तो ट्रस्ट मी, मेरी ये प्लेलिस्ट देखने के बाद यू विल फॉल इन लव विद इकोनॉमी। आपको इकोनॉमी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, एंड होपफुली आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी जो है स्टार्ट करेंगे, एंड जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे GDP, GNP वगैरह, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इकोनॉमी होता क्या है, अगर इसको सिंपल टर्म्स में आप देखो, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट्स, दे मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है? ये देखता है एट हाउ दीज चॉइसेस इफेक्ट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइन। तो यहां से डेफिनेशन से अभी तक आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई फार्मर है, ठीक, फार्मर है, एंड उनके पास एक ऑर्चर्ड, उनके पास एप्पल ऑर्चर्ड है, तो वो एप्पल्स ग्रो करेंगे एंड मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है? अब यहां से आप कैसे समझोगे इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को? ये जो फार्मर है, इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, इनके पास कोई लिमिटेड लैंड थी, वाटर, एंड लिमिटेड टाइम, फाइन। तो इनको क्या करना था, इनको देखना था कि इस लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे ये यूटिलाइज करेंगे, फाइन, ताकि ये कुछ ग्रो कर पाए, अपने कोई प्रोडक्ट बना पाए, एंड उस चीज को मार्केट में बेच के ये कोई प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है? तो क्या इनके बेसिक क्वेश्चंस क्या थे जो इनके पास अराइज होते थे? व्हाट टू प्रोड्यूस? तो इन्होंने सोचा कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। अब चूंकि इनके पास लैंड थी, ठीक है, तो और इनको पता था कि जहां ये रहते हैं देयर इज अ गुड मार्केट फॉर एप्पल्स, तो ही स्टार्टेड ग्रोइंग एप्पल्स। तो पहला इनका क्या कंसर्न था कि इनको क्या प्रोड्यूस करना है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, मार्केट का सर्वे किया, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, मार्केट में एप्पल्स की डिमांड है, तो चलो हम क्या करेंगे, हम वी विल ग्रो एप्पल्स, ठीक है? एंड अब इनका नेक्स्ट कंसर्न था हाउ वी विल प्रोड्यूस दिस, कि इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए। उसके लिए इनके पास कुछ रास्ते थे, ये ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते थे, ट्रेडिशनल मेथड या मॉडर्न मेथड जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वो सारी चीजें आती। अब इनको पता था अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो वो चीपर हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन है बट लेसर प्रोडक्शन, ठीक, और अगर मॉडर्न मेथड यूज करेंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएगा लेकिन प्रोडक्शन इनकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? एंड अब पहला क्वेश्चन था हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, थर्ड वाज फॉर हूम, ठीक है? तो इनके पास ऑप्शन था, ये लोकली प्रोड्यूस कर सकते थे लोकल मार्केट्स के लिए, या फार्दर अवे लार्जर मार्केट्स के लिए ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इनके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बोला एक फार्मर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो उनको यूटिलाइज करके, फिर मार्केट एनालाइज करके और मेथोडोलॉजी ध्यान में रख के कि कौन से मेथड से वो कोई चीज बनाता है, ठीक है? तो ये एक सिंपल मॉडल है इकोनॉमिक्स का। सो दिस इज नथिंग बट योर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी बोल सकते हो, या इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये बेसिक है उसका।
अब हम फिर से डेफिनेशन पे आते हैं. स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिजनेस गवर्नमेंट्स मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज. अभी मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दी फार्मर की, वो समझने के लिए, ताकि आपको एक बेसिक होल्ड पता चले इकोनॉमिक्स में होता क्या है. अब आप इस मॉडल को रेप्लीकेट करो एक लार्जर कंट्री के लिए, एक लार्जर सोसाइटी के लिए, जहां पे लोग होंगे, बिजनेसेस होंगे, गवर्नमेंट्स होंगी, वो सारे ये सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको हम कैसे यूटिलाइज करें चीजों की प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में एंड कंजम्पशन में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन में कैसे हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इन्हीं चीजों को स्टडी करता है. अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में यहाँ पे लिखें, रिसोर्सेज जो है दे आर लिमिटेड. जैसे मैंने आपकी फार्मर की एग्जाम्पल दी, ही हैड लिमिटेड लैंड, वाटर, टाइम. ठीक है, चॉइसेस मस्ट बी मेड. उसके लिए उसको कुछ चॉइस बनानी थी कि ट्रेडिशनल मेथड यूज करेगा कि मॉडर्न मेथड यूज करेगा, लोकल मार्केट के लिए या लार्जर मार्केट के लिए. ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, डिसीजंस हैव टू बी मेड अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ एंड हु गेट्स टू यूज इट, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया. ठीक है, यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम. फिर इसको कॉस्ट बेनिफिट देखना होगा. जैसे मैंने आपको कहा ट्रेडिशनल मेथड यूज करेगा, ट्रेडिशनल मेथड से ऑल्दो वो चीपर है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, लेकिन क्या प्रोडक्शन उतनी होगी जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है. तो ये सारी चीजें, कितना कॉस्ट इन्वेस्ट करके कितना उसको बेनिफिट मिलेगा अगर वो एक्सपेंसिव मेथड्स यूज करे. ठीक है, काफी महंगी महंगी मशीनरी लाए, लेकिन बाद में उसको उन चीजों से जो फाइनली उसके पास एप्पल्स की प्रोडक्शन हुई है, ज्यादा प्रॉफिट ही नहीं मिले, तो उसको क्या फायदा है एक्सपेंसिव मशीनरी में इन्वेस्ट करने का, कोई फायदा नहीं. तो कॉस्ट एंड बेनिफिट ये चीज देखता है. मार्केट एंड प्राइसेस डिटरमिन करता है, कि लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसको बोलते हैं, कि उसने पहले सोचा उसके पास लैंड है एंड पॉसिबल है कि वो एप्पल्स ग्रो कर सके एंड उसके पास मार्केट है फॉर एप्पल्स. ठीक है, तो वो सारी चीजें एक मार्केट का सर्वे करना पड़ता है ये देखने के लिए कि लोगों में किस चीज की डिमांड है. सिंपल समझो, आज मैंने पटवारी का वीडियो लाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे मार्केट में पटवारी के वीडियोस की डिमांड है एंड मुझे क्वेरीज आई इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट करो, तो मेरे पास डिमांड थी इंडियन इकोनॉमी की, तो मैंने इंडियन इकोनॉमी से ही स्टार्ट किया. फाइन, यही है आपका मार्केट एंड प्राइसेस. फिर आगे इकोनॉमिक सिस्टम्स, डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इकोनॉमीज. लाइक कैपिटलिस्ट जो होते हैं दे आर मार्केट ड्रिवन एंड सोशलिस्ट दे आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड. अब सोचो इसी फार्मर के एग्जांपल फिर से लो. अब जो इसने एप्पल्स ग्रो करना शुरू किया, अब ये इनकी क्या प्राइसिंग रखे एंड कौन से वराइटी ऑफ एप्पल्स ग्रो करे, किन मार्केट्स में इनको सेल करे, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको दो तरीकों से सॉल्व हो सकते हैं. ठीक, इन क्वेश्चंस का आंसर पहला कि ये गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट कि ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करे क्या प्राइसिंग होगी, एप्पल्स कौन से ग्रो होंगे, किन मार्केट्स में सेल होंगे. एंड दूसरा है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म वाला, कि वो डिमांड ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. दैट मीन्स वो मार्केट को एनालाइज करे और फिर खुद डिसाइड करे कि नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग इन वैरायटी ऑफ एप्पल्स की डिमांड है तो आई विल ग्रो दीज काइंड ऑफ एप्पल्स एंड जो मेरा मार्केट है वो इस कैटेगरी ऑफ लोगों के को बिलोंग करता है तो मैं प्राइसिंग कितनी रखूंगा. ठीक है, तो वो मार्केट को एनालाइज करके अपने डिसीजन लेगा. अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे कि प्राइसेस ये रखो, यहाँ पे बेचो, ये वैरायटी ग्रो करो, तो वो होती है गवर्नमेंट कंट्रोल जो आपकी इकोनॉमीज होती है. ठीक है, इन एसेंस इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द बेस्ट, मेक द बेस्ट यूज ऑफ व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड वेलबींग. आपके रिसोर्सेज एंड उनको कैसे, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं रिसोर्सेज यूटिलाइज करके, उन बेनिफिट्स को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रॉफिट को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपनी कंट्री में, वो सारा आपको इकोनॉमिक्स बताता है. ठीक, अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इट कैन बी ऑफन दे आर समराइज एट फॉलोज. What is produced and in what quantities? क्या produce करो, कितने quantity में produce करो, और ये आपको कैसे पता चलता है, ये आपको पता चलता है market survey के बाद. ठीक है, law of demand and supply again. How these goods are produced? जैसे बात हुई कौन सी चीजें इसमें आपको invest करनी है, कौन सी machinery use करनी है, traditional methods है, modern methods है, वो सारी चीजें. And for whom these goods are produced? जो हमने यहाँ पे अभी discuss किया, आपका market कैसा होगा. और एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी. ठीक है, तो जो आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने कहा फार्मर के पास लिमिटेड टाइम, लैंड एंड वाटर था, तो उनको कैसे एलोकेट करोगे
एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपने गुड्स बनाए हैं उनको कैसे आप मार्केटाइज करोगे, मार्केट में ले जाओगे, कौन सा मार्केट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्राइसिंग क्या रखोगे, वो सारी चीजें, ठीक है, दे आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी. ठीक, देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी होंगी, आप देख रहे होंगे, गुड्स भी लिखा है एंड सर्विसेज भी लिखा है. तो गुड्स जो है ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एप्पल्स की एग्जाम्पल मैंने दी. सर्विसेज होते हैं, जैसे टीचर अपनी सर्विस दे रहा है या डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आते हैं. जब हम किसी कंट्री का इनकम, नेशनल इनकम जो है वो डिटरमिन करते हैं कि एक कंट्री का, पूरी कंट्री का इनकम का एग्रीगेट लेवल क्या है, तो उसमें आप जो गुड्स से पैसे मिले होते हैं उनको भी देखते हो, उनको भी ऐड करते हो, प्लस जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के पैसे मिलते हैं उस प्राइस को भी आप देखते हो. ठीक है, आप लास्ट में हमें क्विक रिविजन भी करेंगे सारे वीडियो का, तो डू स्टे टिल दी एंड. ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इट इज नथिंग, लेकिन जो हमने अभी मैंने आपको बताया जिसमें गवर्नमेंट डिटरमिन करती है सब कुछ, दैट इज योर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. एंड मार्केट इकोनॉमी होती है जिसको हम कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें मार्केट के बेस पे होता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई उसके बेसिस पे होता है. ठीक है, एंड ये मार्केट क्या है, ये आपका ऐसे कोई गनीखन मार्केट जैसे हम बोलते हैं मार्केट, जो वो मार्केट नहीं है. इकोनॉमी में मार्केट होता है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म समझो, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन से गुड्स होने चाहिए, क्या प्राइस होने चाहिए. ठीक है, सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज भी, तो जहाँ पे वो फ्रीली इंटरैक्ट कर पाएंगे बायर्स एंड सेलर्स, उसको एक एक यूनिफाइड टर्म दिया हुआ है मार्केट. जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल मार्केट में पटवारी के वीडियोस काफी चल रहे हैं, पटवारी का एग्जाम होने वाला है, तो मार्केट में इस टाइम पे पटवारी के वीडियोस की वैल्यू है, तो ये मार्केट क्या हुआ. ठीक है, वहां से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो. मार्केट सिस्टम में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं दे कम विद ए प्राइस विच इज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बाय बायर्स एंड सेलर्स एट विच एक्सचेंज टेक्स प्लेस, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है. आज इकोनॉमी की वीडियो की डिमांड थी तो आपको इकोनॉमी का वीडियो मिला. इसको हम जो इकोनॉमी है उसको कैटेगराइज करते हैं हम दो कैटेगरीज में, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमी एंड एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो इज बेसिकली, माइक्रो वर्ड लिटरल मीनिंग क्या होता है माइक्रो का, स्मॉल. तो माइक्रो में आप इंडिविजुअल जो होता है उस पर फोकस किया जाता है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स. इसके एग्जाम्पल आप समझो, अगर मेरी, मैं कोई कॉफी शॉप ओन करती हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं कॉफी, कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ कॉफीज जो है, टाइप्स ऑफ कॉफी वहां पे बिकेंगी, उनका प्राइस क्या होगा, मैं, मेरी जो शॉप है ये किस मार्केट में होनी चाहिए, कहाँ पे मैं शॉप को जो है इंस्टॉल करूंगी, वो सारी चीजें मैं डिटरमिन करूंगी एक मार्केट सर्वे के बाद, अपने जो कॉफी कंज्यूमर्स हैं उनसे थोड़ा डिस्कशन करने के बाद, तो वो मेरा इंडिविजुअल का होगा. ठीक है, तो दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. फाइन, अब आप ये कॉफी शॉप वाली एग्जाम्पल दिमाग में रख के डेफिनेशन पढ़ो. माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individuals in these markets. ठीक है, और एक एग्जाम्पल, अगर कल को मैं अपना पेड मॉड्यूल लाती हूँ तो वो पेड मॉड्यूल की प्राइसिंग क्या होगी, वो सर्विसेज में आएगा क्योंकि आपको सर्विस मिल रही है. ठीक है, सर्विसेज में उस पेड मॉड्यूल की प्राइसिंग क्या होगी, वो मैंने डिटरमिन किया होगा बाकी जो पेड कोर्सेज बेच रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करने के बाद, अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के बाद. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमी एज ए होल कैसी चल रही है, आपका जो टोटल आउटपुट, दैट मीन्स जो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है वो कितनी है, कितना ऊपर नीचे जा रहा है. ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट जो है कंट्री की कैसी चल रही है, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, एग्रीगेट प्राइस लेवल, आपका इन्फ्लेशन, चीजों की प्राइसिंग, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन और महंगाई, महंगाई कितनी बढ़ रही है घट रही है, वो सारी चीजें. रिसेशन में आपको कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट को लानी चाहिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, लोन कितने इंटरेस्ट रेट पे आप दोगे कि अकॉर्डिंगली बिजनेस कितना थ्राइव करे, तो ये सारी जो मेजर चीजें होती हैं वो किसका पार्ट आती हैं, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो डिटरमिन करती हैं इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री जिसे हमें पता चलता है, एंड ग्लोबल इकोनॉमी का. और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से आते हैं. तो जैसे आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये टर्म सुनते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. फाइन, यहाँ पे एक नाम याद रख लो, एडम स्मिथ जो है ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड ही इज वेल नोन, हिज वेल नोन वर्क इज एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस. और ये जो इनका वर्क है, इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ द ऑन द सब्जेक्ट. ठीक है, तो ये था आपको बेसिक, आई होप क्लियर हो गया हो. इकोनॉमी में मैंने कहा क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप एलोकेट करते हो, एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारा
क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट इकोनॉमी. इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो चॉइसेस आपको बनानी पड़ती हैं कि आप क्या प्रोड्यूस करोगे, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करोगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कि जितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो क्या कल को आपको प्रॉफिट उतना वहां से मिलेगा या नहीं. फाइन, जैसे आप मेरे वीडियोस पे कितना टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को आपको इससे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ, दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट एंड बेनिफिट. मार्केट एंड प्राइसेस, ठीक है, तो कैसे हमें पता चलता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी ऑटोमेटिकली वो चीज ज्यादा महंगी हो जाती है. ठीक, फिर इकोनॉमिक सिस्टम्स, मैंने कहा गवर्नमेंट कंट्रोल भी होते हैं एंड आपके जैसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एंड सेकेंड इज योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पे प्राइसिंग डिटरमिन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से. ठीक, ये हमने पढ़ा. फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वही व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ एंड फॉर हुम, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया. फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी भी हो गया. माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल, मैक्रो एक बड़े लेवल पे जिसमें जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें आती हैं. फिर हमने एडम स्मिथ को देखा. उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं इकोनॉमी सेक्शन में, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे कि आने वाले प्लेलिस्ट में क्या क्या वीडियोस आएंगे. तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमें पढ़ना है, जिसमें नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी डिफ्लेटर, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइसेस, मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, ये सारी चीजें देखेंगे. फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, इसमें इकोनॉमी वाला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे थोड़ा. फिर मनी एंड बैंकिंग, जिसमें मनी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपने सुना होगा, ऐसी सारी चीजें पढ़ेंगे. फिर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन, आपके जो प्राइस लेवल्स हैं उनका अप डाउन होना, वो कैसे डिटरमिन होता है, उस सारी मैकेनिज्म को हम यहाँ पे समझेंगे. फिर आगे आपका बैलेंस ट्रेड, जिसमें हम फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखेंगे, भाई जो फॉरेन से हमारी करेंसी आती है उसका क्या फायदा होता है, वो किस में रहती है, किस अकाउंट में रहती है, वो सारी चीजें हम फॉरेक्स रिजर्व में देखेंगे. ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था. अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लेन करूंगी, जहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, तो अभी बस आपको बेसिक था इकोनॉमी समझाने का. तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉमेंट से बताओ आपको वीडियोज कैसे लगते हैं. एंड जिनका सुपरवाइजर अभी भी जो बॉर्डर लाइन पे है या जिनके काफी कम स्कोर हैं, तो आई वुड सजेस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम. आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है. एंड इंडियन इकोनॉमी बेस्ट सब्जेक्ट मुझे इसलिए भी लगा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बोरिंग नहीं है. जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थोड़े बोरिंग हो जाते हैं, ये बोरिंग नहीं है, आप बिल्कुल बोर नहीं हो जाओगे. ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी ज्यादा विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. फाइन, सो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.